In this lecture, we will discuss about the solar cells, their construction, their function, and the working of solar cells and the use of solar energy. First, we will discuss about the solar energy. What is the solar energy? Sun is the fundamental source of solar energy. Sun is the fundamental source of not only the solar energy but also other types of energy like wind energy. जो wind energy है उसका भी source क्या है? Sun ही है. Sun की वजह से ही हवाएं चलती हैं और उसी की वजह से जो है pressure difference create होता है और उसी की वजह से जो है हवा चलती है और उस energy को हम use करते हैं. तो sun is the fundamental source of many types of energy including the one of the most important is solar energy. कैसे प्रोड्यूस होती है सन से? द सन रिलीजेस द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू द कंटीन्यूअस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. दो तरह की रिएक्शंस होती हैं न्यूक्लियर मटेरियल्स में, न्यूक्लियर फीजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन. तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं या जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में पढ़ते हैं एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो किस तरह की एनर्जी होती है? एनर्जी रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियर फीजन रिएक्शन. ठीक है, लेकिन सन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन. फ्यूजन, फ्यूज होना मतलब जुड़ना, फ्यूज होके दो कंबाइंड होना. दो छोटे जो एटम होते हैं वो कंबाइंड होके एक बड़ा एटम बनाते हैं, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन. और न्यूक्लियर फीजन में क्या होता है? एक बड़ा एटम दो छोटे एटम्स में टूट जाता है. ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से जो सन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज करता है. ठीक है, और उस हीट में सन सेंड्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस एट ए रेट ऑफ 3.7 × 10⁻²⁰ मेगावाट. वाट मतलब जूल पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 3.7 × 10⁻²⁰ मेगा जूल एनर्जी एक सेकेंड में सन जो है वो रेडिएट करता है, सेंड करता है. लेकिन उसमें से जो एनर्जी अर्थ को रिसीव होती है, एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज अबाउट 1.85 × 10⁻¹ मेगावाट. 1.85 × 10⁻¹ मेगा जूल पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में लगभग 2 × 10⁻¹ मेगा जूल एनर्जी जो अर्थ है वो रिसीव करता है. अब उस एनर्जी में कितना हम यूज कर पाते हैं, दैट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग. और उस एनर्जी को हम अलग अलग मीडियम से यूज करते हैं. ठीक है, और वो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में आती है हमारे पास? लाइट की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में, हम कह सकते हैं हीट की फॉर्म में वो एनर्जी हमारे पास आती है. क्या एडवांटेजेस हैं सोलर एनर्जी के? इट इज अवेलेबल इन एबंडेंस एंड फ्री ऑफ कॉस्ट. बहुत ज़्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी अवेलेबल है जो कभी नहीं खत्म होगी. सोलर एनर्जी इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमेशा रिन्यू होता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट है. कोई किसी को पे नहीं करना सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए. जितना चाहे सोलर एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज. इट इज इनएग्जॉस्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड विल बी सफिशिएंट टू सस्टेन एज फार एज वी थिंक ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. जब तक हम सोचते हैं कि ह्यूमन लाइफ रहेगी तब तक के लिए जो सोलर एनर्जी है वो काफी है सस्टेन करने के लिए. अगर आप कंप्लीटली सोलर एनर्जी पे डिपेंड हो जाते हैं तो जब तक भी आप सोचते हैं कि ह्यूमन लाइफ का एग्जिस्टेंस है तब तक सोलर एनर्जी अवेलेबल रहेगी, वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली. जैसे कि जिस समय पे फॉसिल फ्यूल्स, स्पेशली जो लिक्विड फ्यूल्स है पेट्रोल और डीजल, उस समय पे उनका जो प्रोडक्शन है शुरू किया और उस पर डिपेंडेंसी इंक्रीज हुई, उस समय तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले लगभग 100 या 200 सालों में ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ख़त्म होने वाला है. लेकिन यहाँ पे आप पहले से ही आप प्लान करके चल सकते हैं कि अगर आप कम्प्लीटली इस पर डिपेंड हो जाते हैं तो फिर इस पर डिपेंड होने से आपका क्या फ़ायदा है कि जब तक भी आपका एग्जिस्टेंस रहेगा तब तक ये एनर्जी अवेलेबल रहेगी. अगर उस समय पेट्रोल डीजल के बारे में किसी ने इतना सोचा होता तो शायद आज हम इतने ज़्यादा इन फ्यूल्स पे डिपेंडेंट नहीं होते. तभी हमें इतनी प्रॉब्लम्स भी आ रही है इन फ्यूल्स को ख़त्म करने में या उन पे डिपेंडेंसी ख़त्म करने में और स्विच करने में किसी दूसरे एनर्जी सोर्स लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड एट्सेट्रा.
इट इज फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, कोई पॉल्यूशन नहीं इसका, एंड हैविंग लो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इसमें जितना भी कॉस्ट है वो हम इसके डिसएडवांटेज में पड़ेंगे, वो सिर्फ कैपिटल कॉस्ट है, इन्वेस्ट इनिशियली जो खर्चा आता है वो आता है, उसके बाद इसका ऑपरेटिंग का कोई, क्योंकि देखो ऑपरेटिंग का खर्चा, क्योंकि कुछ फ्री ऑफ सोलर एनर्जी मेन सोर्स जो है वही फ्री है, तो फिर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट का खर्चा है वो वैसे ही कम हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग कॉस्ट का खर्चा आता है और मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी बहुत है, क्योंकि उस पर थोड़ी बहुत तो मेंटेनेंस की ज़रूरत आपको पड़ेगी, उस पर डस्ट आ जाएगी, बारिश से बचाना है, इन सब चीज़ों के लिए मेंटेनेंस की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन सोर्स इज ए ग्रीन एनर्जी सोर्स, जिसमें कोई भी किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होने वाला। नो इलेबोरेटेड अरेंजमेंट्स आर नीडेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज और हैंडलिंग एज इन केस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देखो फॉसिल फ्यूल्स में एक बहुत बड़ा दिक्कत क्या है कि उसको ट्रांसपोर्ट करना और उसको स्टोर करना। पेट्रोल डीजल ऐसा तो है नहीं कि वहीं से वहीं बिल्कुल ज़मीन से निकल रहे हैं और आपको आपके गाड़ी में भरे जा रहे हैं, तो कहीं पहले उसको निकाला जाता है फॉसिल फ्यूल्स को पेट्रोलियम के फॉर्म में, फिर उसको रिफाइन किया जाता है, दैट इज़ द हैंडलिंग। ठीक है, उसको कन्वर्ट किया जाता है उसके प्रोडक्ट्स में जो कि पेट्रोल और डीजल है और भी तरह के हैं, जैसे केरोसिन भी है, और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है जनरल यूज़ के लिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है फॉसिल फ्यूल्स के लिए, चाहे वो पेट्रोल डीजल की हम बात करें, चाहे नेचुरल गैस की बात करें, या फिर हम कोल की बात करें। तो ये बहुत बड़ी समस्या है फॉसिल फ्यूल्स के साथ। देखिए सोलर एनर्जी को तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं करना, वो तो हर जगह अवेलेबल है, जहाँ पर आप यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे आपको सोलर एनर्जी मिल जाएगी, उसको कोई ट्रांसपोर्ट नहीं करके लिया। ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। द ऑपरेशन ऑफ सोलर थर्मल एनर्जी रेंजेस फ्रॉम सोलर कुकर, सोलर कुकर जो होते हैं उसमें एनर्जी कितनी यूज होती है, 1 kilowatt, टू ए पावर प्लांट, जो सोलर थर्मल एनर्जी है उसका पावर प्लांट भी हम लगा सकते हैं 200 megawatt या इससे भी ज़्यादा। मतलब कि आप रेंज देखिए, रेंज कितनी है सोलर एनर्जी को यूज़ करने की, आप छोटे से छोटे एप्लीकेशन भी, दैट इज़ 1 kilowatt एप्लीकेशन के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा बड़े एक मतलब एक पूरा के पूरा पावर प्लांट मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस करने कर सकते हैं इससे, लगभग 200 मेगावाट या उससे भी ज़्यादा। तो जो रेंज है सोलर एनर्जी की या उसके एप्लीकेशन हैं, वो बहुत छोटी एप्लीकेशन से बहुत बड़े एप्लीकेशन तक भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए आप, अगर हम कोल की बात करते हैं तो कोल बेस्ड क्या होते हैं, थर्मल पावर प्लांट होते हैं, लेकिन उसको हम सिर्फ बहुत ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी में, बहुत ज़्यादा एनलार्ज जब हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है तभी हम उसको यूज़ करते हैं। छोटा मोटा कोई ऐसा नहीं कि घर में आपने एक पावर प्लांट बना लिया और उससे आप अपने घर का बिजली चला रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या फिर जैसे पेट्रोल और डीजल इंजन हैं, तो इन सब में क्या है, आप कितने किलोवाट का इंजन बना सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा बड़े मेगावाट में तो एनर्जी उससे नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो ये सब क्या है, उनकी जो रेंज है एप्लीकेशन, उनकी जो यूज़ करने की रेंज है एप्लीकेशंस में, वो बहुत लिमिटेड है फॉसिल फ्यूल्स के केस में। लेकिन सोलर एनर्जी में आप बिल्कुल छोटी एप्लीकेशन से 1 kilowatt से और बहुत बड़े पावर प्लांट 200 megawatt पावर प्लांट तक इस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह की एप्लीकेशंस में, छोटे से छोटी में और बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन में। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है, क्या है इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, अवेलेबिलिटी डिपेंड्स ऑन सेवरल कंडीशंस लाइक वेदर, क्लाइमेट, मंथ क्या है, टाइम ऑफ डे क्या है एंड ड्यूरिंग द ईयर। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे सोलर एनर्जी की अवेलेबिलिटी डिपेंड करेगी। देखिए हर जगह अवेलेबल है उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं करने के ये सब तो फायदे हैं, लेकिन नुकसान क्या है कि बहुत सारी कंडीशंस हैं जिन पे सोलर एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है। जैसे वेदर कैसा है, बादल अगर छाए हुए तो सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी, वहाँ का क्लाइमेट किस तरीके का है, ठीक है कौन सा महीना चल रहा है, मतलब दिसंबर जनवरी के महीने में सोलर एनर्जी कम अवेलेबल होती है, जून जुलाई में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है, टाइम ऑफ डे क्या है, अगर मॉर्निंग के सुबह 7 बजे की बात करें तो कोई उसका यूज़ नहीं है ज़्यादा, है ना, और दोपहर को 12-1 बजे यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा है, तो टाइम ऑफ डे क्या है, और ड्यूरिंग द ईयर। तो ये सारे ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे जो है वो कंडीशन, सेवरल कंडीशंस पे सोलर एनर्जी की जो अवेलेबिलिटी है, किस समय अवेलेबल होगी, किस समय
नहीं होगी वो जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। और रात में तो अवेलेबल है ही नहीं किसी भी कंडीशन में, जहाँ पे भी रात है वहाँ पे सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं। लेकिन होता क्या है कि कहीं पे जैसे रात है अगर, तो उसी समय पे अर्थ पे कहीं और पे दिन भी हो रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सोलर एनर्जी 24 आवर अवेलेबल नीड्स वेरी लार्ज कलेक्टर एरिया टू कैप्चर सोलर एनर्जी इन्वॉल्विंग हाई कैपिटल कॉस्ट, नीड्स वेरी लार्ज कलेक्टर एरिया। सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ही लार्ज एरिया की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एरिया में आपको सोलर पैनल्स बिछाने पड़ते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोलर एनर्जी का यूज़ करना है तो आपको बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए होगा, और उस पूरे एरिया में इवन बहुत ज़्यादा एरिया में कई एकड़ में आपको सोलर जो पैनल हैं वो बिछाने होंगे, और उससे आप सोलर एनर्जी को कैप्चर कर सकते हैं। जिसकी वजह से इसमें क्या आता है, कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा आता है। कैपिटल कॉस्ट मतलब शुरू में इनिशियली जो खर्चा आता है, एक बार उसको सेटअप करने का जो खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सोलर कलेक्टर्स पैनल्स एंड सेल्स आर कलेक्टर्स पैनल्स एंड सेल्स क्या हैं ये, इनको हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। रिलेटिवली एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर ऑल द प्राइसेस आर फॉलिंग रैपिडली, मतलब अगर कभी अभी रिसेंट टाइम में देखा जाए तो इनके जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी महंगे मिलते हैं। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस हो रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इनकी जो कॉस्ट है वो कम होती चली जा रही है। लेकिन अभी करंट रीसेंट टाइम के हिसाब से देखें तो सोलर एनर्जी यूज़ करने के जो, जैसे अगर कलेक्टर्स की बात करें या सेल्स की बात करें, तो वो काफ़ी महंगे हैं अभी इस समय पर, और जिसकी वजह से सोलर एनर्जी को यूज़ करना अभी थोड़ा सा महंगा पड़ता है। सोलर पावर इज यूज टू चार्ज बैटरीज सो दैट सोलर पावर डिवाइसेस कैन यूज एट नाइट। अब देखो जैसे कि सबको पता है कि सोलर एनर्जी रात में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपको अगर एनर्जी को यूज़ करना है रात में तो आपको एनर्जी को स्टोर करना पड़ेगा, और एनर्जी को स्टोर करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप उसको थर्मल एनर्जी की तरह थर्मल एनर्जी में स्टोर करें, या फिर आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर करें। बेटर कौन सा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर करना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए होती है, बैटरी चाहिए होती है, ठीक है। तो सोलर पावर को अगर आप रात में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक अलग से बैटरीज की भी ज़रूरत पड़ेगी। Batteries are large, heavy and need storage space and also need replacing from time to time. अब बैटरी यूज़ करनी है तो क्या दिक्कत है, लेकिन बैटरी यूज़ करने में प्रॉब्लम क्या है कि बैटरी भी ऐसा नहीं कि एक बैटरी आपने लगा दी, फिर बैटरी के भी बहुत सारे, जैसे पैनल सीरीज में बहुत सारे पैनल लगाए जाते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी को कैप्चर करने के लिए, उसी तरीके से बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी आपको बहुत सारे एरिया में बहुत सारी बैटरीज को लगाना पड़ेगा, और उनको बैटरी की भी अपनी एक लाइफ होती है, तो उनको टाइम टू टाइम आपको रिप्लेस भी करना पड़ेगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए, बट जितने इसके एडवांटेज हैं उनके सामने डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है। अगर हम कम्प्लीटली सोलर एनर्जी पे डिपेंड हो जाते हैं तो उससे एनवायरनमेंट को भी और हमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, और मेनली जो है वो एडवांटेजेस ही रहेगी सोलर एनर्जी का। क्या एप्लीकेशन हैं इसके, देखें सोलर एनर्जी के क्या एप्लीकेशन हैं, सोलर एनर्जी के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोलर सेल्स के एप्लीकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोलर एनर्जी के एप्लीकेशन, जहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज़ होता है, चाहे वो सोलर सेल के थ्रू हो या फिर थर्मल एनर्जी की तरह। डोमेस्टिक पावर सप्लाई में आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा होगा कि लोग पर्सनली अपने घरों पे एक पैनल लगा लेते हैं। अब आइदर उसमें दिन के फॉर्म में, या तो आप सीधे सीधे उसको इन्वर्टर से कनेक्ट करके बिजली ले लेते हैं, या फिर बैटरी से स्टोर करते हैं। तो डोमेस्टिक पावर सप्लाई के लिए सोलर एनर्जी का यूज़ होता है थ्रू सोलर सेल्स। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इन स्पेस, देखो स्पेस में तो और कोई तरीका ही नहीं है, स्पेस में तो जो आपके जैसे स्टेशंस भी होते हैं या जो सैटेलाइट्स होते हैं उनमें सोलर पैनल लगा के ही आपको भेजना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे तो सोर्स ऑफ एनर्जी सिर्फ जो है वो सोलर एनर्जी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सोलर पैनल और हमेशा वहाँ पे रहती भी है। तो सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जाती है वो सोलर पैनल्स के थ्रू ही की जाती है स्पेस में। ड्राइंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ये तो डायरेक्ट यूज है सोलर एनर्जी का, तो किसी को जैसे भी गेहूं सुखाना है अपना, चावल सुखाना है, कुछ और काम करना है, तो जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको सुखाने के लिए सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, धूप में डाल देते हैं और कुछ काम थोड़ी करते हैं।
सोलर पंप्स आर यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई, आजकल सोलर एनर्जी से पंप यूज़ किए जाते हैं वाटर सप्लाई के लिए, खेतों में पानी देने के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी इस पे बने हैं, सोलर पंप्स का डायरेक्टली यूज़ किया जाता है। ऑटो फुल्ली ऑटोमेटिक भी होते हैं, जैसे देखते हैं कि अगर पंप चलाने की ज़रूरत है तो सोलर पैनल उसमें लगा हुआ है, उसी की हेल्प से इन्वर्टर से उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके पंप चला के खेतों में पानी सप्लाई किया जाता है। तो सोलर पंप्स भी यूज़ किए जाते हैं वाटर सप्लाई के लिए। वाटर हीटिंग, वाटर हीटिंग मतलब सोलर पैनल, जैसे देखा होगा आप लोगों ने घरों में सर्दियों में कई जगह पे क्या होते हैं कि सोलर पैनल के थ्रू ही आपको गर्म पानी नहाने वाने के लिए जो सप्लाई किया जाता है, वहाँ पे गीजर नहीं होते, यहाँ पे सन अवेलेबल होता है, तो सर्दियों में वहाँ पे सोलर पैनल के थ्रू से ही सेंट्रलाइज हीटिंग की जाती है। तो इस गर्म पानी का यूज़ करने के लिए जो पानी गर्म किया जाता है वो भी सोलर एनर्जी के थ्रू ही किया जाता है। ये एप्लीकेशन है हमारा सोलर थर्मल वाला, जो ये सोलर सेल के थ्रू नहीं किया जाता। जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर डायरेक्टली जनरेट करने के लिए सोलर सेल्स का यूज़ करते ही हैं। टू प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर टू सैटेलाइट्स, ठीक है, जैसे मैंने बताया स्पेस में सैटेलाइट्स भी कहाँ पे होती है, स्पेस में, तो स्पेस में यूज़ करने के लिए सैटेलाइट्स को भी पावर देने के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं, सोलर एनर्जी या सोलर पैनल, सोलर सेल जो एप्लीकेशन है इस तरीके का एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन है और भी बहुत सारे एप्लीकेशन सोलर एनर्जी के, तो ये उनमें से कुछ एप्लीकेशन हैं जहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज़ अभी रिसेंटली भी किया जा रहा है और आने वाले टाइम में हो सकता है, और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैं जो इंक्रीज हो जाएंगे जहाँ पे भी हम सोलर एनर्जी का यूज़ आगे चल के करने लगेंगे ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता रहेगा वैसे वैसे और अलग एरियाज में भी सोलर एनर्जी का यूज़ अब धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा, और धीरे धीरे उसकी जो सेल की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी कम होती रहेगी, तो फिर सोलर एनर्जी का यूज़ और ज़्यादा आने वाले टाइम में इंक्रीज होगा।